अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ऑल अबाउट मेडिसिन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एग्नार टैबलेट्स के बारे में। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले कि कौन सी कंपनी इसको बनाती है, तो इसकी जो कंपनी जो इसको मैन्युफैक्चर कर रही है वो GSK कंपनी है। इसके बाद इसकी कंपोजिशन देखते हैं। तो कंपोजिशन में इसमें तीन बड़े इम्पोर्टेंट जो है वो चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी एंड विटामिन K2 इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद इसकी क्लास देखें तो ये सप्लीमेंट है अपनी क्लास के लिहाज से। इसके बाद इसकी फॉर्म देखें तो ये टैबलेट की फॉर्म में आपको मिलेगा। पैक साइज इसका जो है वो 30 टैबलेट का एक जो है वो डब्बी आपको ये अवेलेबल होगी। इसके बाद इसकी प्राइस देखें तो इसकी प्राइस जो है वो 702 रुपये में आपको किसी भी अच्छी फार्मेसी से ये मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे यूजेस और साइड इफेक्ट जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद घंटी के आइकन को प्रेस कर दें। सबसे पहले इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। जो इसमें यूजेस हैं एग्नार टैबलेट्स को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, एक तो इसको ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे लोग जिनकी हड्डियां सॉफ्ट होने की वजह से टूट रही हैं या उनमें मजबूती खत्म हो चुकी है तो वो लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या ऐसे लोग, सिंपल वर्ड में यूँ कह सकते हैं कि ऐसे लोग जिनकी हड्डियाँ जो है वो कमज़ोर हो गए, टूटना शुरू हो गई हैं या ख़त्म होना शुरू हो गई हैं, तो वो लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन वो है जिसमें ऑस्टियोमलेशिया है, यानी कि कैल्शियम की कमी की वजह से बोन्स जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो लोग जिनको ऑस्टियोमलेशिया भी है तो वो भी इस टैबलेट्स को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कैल्शियम की कमी जो है वो बॉडी में पूरी होने के बाद हड्डियाँ जो है वो मजबूत होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसके बाद ऐसे बच्चे जिनको रिकेट्स की बीमारी है, रिकेट्स की बीमारी ज़्यादातर बच्चों में होती है, उनकी बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट होकर टूटना शुरू हो जाती हैं या बेंड होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो ऐसे बच्चे जिनको रिकेट्स की बीमारी है उन बच्चों को भी ये टैबलेट दी जाती है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको पैराथायराइड ग्लैंड का प्रॉब्लम है, यानी कि उनमें पैराथायराइड ग्लैंड जो अपना हार्मोन है वो मुकम्मल नहीं बना रहा, हाइपोपैराथायराइडिज्म हो चुका है, तो वो लोग भी इस टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस गोली को इस्तेमाल करने के बाद कौन कौन से बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, एक तो ये है कि इसमें बोन की जो हेल्थ है, जो बोन की हेल्थ है वो अच्छी रहेगी और वो जो है मजबूत रहेगी। इसके अलावा हार्ट हेल्थ जो है वो भी काफ़ी बेहतर हो जाती है इसको इस्तेमाल करने के साथ। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? दोस्तों, इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट ऐसे लोगों में आते हैं जो कि इससे किसी तरह से हाइपर सेंसिटिव होते हैं। तो इसके साइड इफेक्ट में सबसे पहले आपको हो सकता है जो चीज़ें आप फील कर सकते हैं वो है कॉन्स्टिपेशन, इसके अलावा डायरिया हो सकता है या स्टोमिक पेन कभी कभी हो सकता है, लेकिन ये जितने भी साइड इफेक्ट बताए गए हैं ये सारे टेम्परेरी हैं और जैसे ही आप इसको इस्तेमाल करना छोड़ेंगे तो ये साइड इफेक्ट भी ख़त्म हो जाएंगे, या कुछ लोग इसको इस्तेमाल करते रहेंगे तो भी साइड इफेक्ट ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद है हाउ टू यूज, इसको यूज़ कैसे करें। इस मेडिसिन को आप हमेशा 1 to 2 टैबलेट जो है वो फूड के साथ लेंगे, खासतौर पर अपने नाश्ते के बाद। तो ये जो है आपको डॉक्टर बताएगा कि आपने कितनी देर तक इसको, कितने अर्से तक इसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि हर बंदे की कंडीशन के लिहाज से इसकी ड्यूरेशन बताई जाती है। इसके अलावा इसमें कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि कब आपने इसको यूज़ नहीं करना। तो पेशेंट जिनको रेनल कोई प्रॉब्लम है, यानी कि गुर्दों से कोई प्रॉब्लम है, तो वो इसको डॉक्टर की हिदायत के बगैर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें कैल्शियम होता है और गुर्दों में जाके गुर्दों का पेन जो है वो क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा ऐसे लोग जिनको हाइपर कैल्शियमिया है, यानी कि उनके जिस्म में कैल्शियम की मिकदार ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग भी इसको इस्तेमाल करने से गुरेज करें या अपने डॉक्टर से रजू करें। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।